नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत एयरटेल के बारे में बात करेंगे। काफ़ी हद तक ये स्टॉक अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है और अच्छा पोजीशन में आपको रिटर्न दे सकता है। इसका हम थोड़ा सा सिंबॉलिक नेम देखिए, यहाँ पे लिस्टिंग डेट देखिए। यहाँ पे टेलीकॉम ऑन कॉलर फिक्स लाइन सर्विस में आता है। इसका पीआईबी नहीं है। यहाँ पे इसका सेक्टर का भी देखिए, निफ्टी 500 में आता है। तो चलिए इसमें कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक दिन का देखिए, एक वीक का देखिए, एक मंथ का देखिए, एक साल का देखिए। अगर 1 लाख रुपए बना डाले होते तो आपको 20,000 रुपये ज़्यादा मिल जाते। यहाँ पे लगभग उतना ही जैसे आपने बताया था उस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, और इसमें और देखिए इस तरीके से। तो काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब सब में फिट बैठता है ये स्टॉक। और प्रॉफिट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखिए। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हम कह सकते हैं कि 2021 में थोड़ा सा माइनस में इसका गया था। लेकिन जब भी जियो से यहाँ पे लॉन्च हुआ था तब भी प्लस में था। लेकिन इस जो मैं कह सकता हूँ कि कोविड का समय था, इसलिए मैं कुछ इस वजह से। और आज देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बढ़िया प्रॉफिट उसने बनाया। ये 2 साल छोड़कर आपको काफ़ी हद तक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चैनल हमने क्रिएट किए हैं जो कि मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर स्टॉक चला तो आने वाले वक्त में आपको यहाँ पे 1,000 का आपको यहाँ पे इसमें आपको मिल सकता है, जो टारगेट जो है मिल सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक आप थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये फिर इसने ये यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये हाई बनाया, फिर इसने थोड़ा सा लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया, थोड़ा सा ये नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अगर इस रेंज की बात करें तो ये रेंज इसने अच्छे खासा इसे से यहाँ पे इसने तोड़ा है, हर जगह इसने तोड़ा है। और ये अगर इसे तोड़ता है तो आपको यहाँ पे अभी लेटेस्ट में आपको 900 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे इस तरीके से इसने प्राइस एक्शन बनाया है कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से भी ऊपर चलता है तो अभी लेटेस्ट में 900 का मिलेगा। और उसी तरीके से थोड़ा 900 को टच होने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। फिर 800, 880 के ऊपर जाके सपोर्ट मिलता है, फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें लगभग 1,000 का टारगेट, जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर ये प्राइस एक्शन इस हिसाब से चला तो हम इसी बात कर रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे अगर खींच कर इसे थोड़ा सा ऊपर लेके चले, समझो नहीं क्या, तो भी आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि ये सपोर्ट जोन हो सकता है लेटेस्ट का, वो जीएसएस का। उसके बाद आप इसे सपोर्ट जोन बना सकते हैं, ये जो है 820 का है। उसके बाद ये हो सकता है 840 का, ये जहाँ हमें रेंज निकल के आए हैं इस तरीके से। ये तीन रेंज है जो कि ये है 760 का, ये दूसरा है यहाँ पे देखिए 820 का है, और तीसरा है 840 का। इस तरीके से आपको ये रेंज निकल के आते हैं इससे। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ये रेंज है जो कि एक सपोर्ट का भी काम कर सकती है। ये रेंज लगभग 820 है जो कि हमने बताई थी आपको ये रेंज। इसके बाद ये रेंज निकल के आती है लगभग हम कह सकते हैं कि 840 की है। इसके ऊपर की रेंज ये जो अभी निकल के आई, ये रेंज हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज अभी यहाँ पे आपको लगभग 860 के करीब की रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी 8 से एक रीजन होगा जो 860 के ऊपर बैठा है। इस अगर इसे निकल जाता है स्टॉक तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इसमें मूवमेंट आने के चांसेस है। तो एंट्री कहाँ पे आप ले सकते हैं, एंट्री आप कहाँ पे बना सकते हैं? तो मेरे ख्याल से एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं जो ये जो सपोर्ट जोन है, काफ़ी हद तक इसने ऊपर नीचे गया है। आप एंट्री अभी यहाँ पे ले सकते हैं लगभग 830 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। इसके नीचे अगर आया तो आप 800
40 भी ले सकते हैं। पहला आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। टारगेट आपको वही मिलेगा जो हमें यहाँ पे लेटेस्ट टारगेट आपको मिलेगा, वो होगा 880 का। फिर आपको 900 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर ये दो टारगेट अचीव हुए तो आप यहाँ पे सबसे बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पे 1000 का मिलेगा कुछ दिनों में। मतलब अभी से अभी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों में काफ़ी हद तक ये आंकड़ा आपको मिल सकता है। इस हिसाब से अगर मूवमेंट, जैसे अभी स्टॉक की मूवमेंट देखकर हम बता सकते कि ऊपर नीचे करके जिस तरीके से उसने हाई और लो, हाई और लो, लोअर लो और हाई बनाया है, उसी तरीके से अगर ये चला रहा, उस पैटर्न में ये स्टॉक चला रहा, तो आपको ये 1000 का टारगेट काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी जल्दी देखने को मिला। अगर ये दो टारगेट यानी जैसे 880 और 900 का टारगेट उसने अचीव करने के बाद की ये बात कर रहा हूँ मैं, यानी तीसरे नंबर पर ये टारगेट मिल सकता है अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से पहले 800 का मिलेगा, फिर 900 का मिलेगा। अगर 880 पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 900 का टारगेट हिट करेगा, फिर 900 पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, फिर थोड़ा सा 890, 895 पे ट्रेड करेगा, फिर कुछ दिनों बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे उसके बाद आपको 5500 के करीब भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये टारगेट अचीव होना बहुत जरूरी है, 880 का और 900 का टारगेट मिलना बहुत जरूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।